छोटे से शहर बरेली का रहने वाला अभिनव नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मस्ती करना चाहता था, पैसे उड़ाना चाहता था, लेकिन ये कुछ हद तक संभव नहीं था। अभिनव के हाथ में उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उसने ठान लिया था कि अब तो इतने पैसे कमाऊंगा कि पैसे घर भेजने के बाद भी इतने जरूर बचे कि थोड़ी बहुत मस्ती जरूर कर सकूं। चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। पहले 10 दिन उसने कंपनी की गेस्ट हाउस में बिताए। इस बीच इधर उधर खोजबीन के बाद उसे एक 2BHK फ्लैट रेंट पर मिल गया। ऑफिस से थका हारा अभिनव जब घर पहुंचा तो रात का खाना बनाया और उसके बाद किताबें पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। आधी रात के उसकी नींद एक आवाज से टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो करीबन 1 बजे थे उस समय। आवाज घर के मेन गेट से आ रही थी। कई सवाल उमड़ रहे थे अभिनव के मन में, कौन हो सकता है इस समय, क्योंकि इस शहर में तो वो ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं है। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सा भय अंदर तक सहमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई ठीक उसके पीछे हो, परंतु पीछे घूमने की वो हिम्मत न कर सका। बस 2 कदम के फासले पर था अभिनव उस दरवाजे से कि अचानक वो आवाज बंद हो गई। अभिनव ने फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अभिनव ने दरवाजे को बंद किया और पलटकर वापस कमरे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा, एक बार फिर वो आवाज उसके कानों तक आई। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए, आवाज सामने के दरवाजे से आना बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस बार दरवाजे पर हो रही दस्तक पीछे के दरवाजे से आ रही थी। पीछे था वो कमरा जो ब्रोकर ने अभिनव को नहीं दिया था। उस दरवाजे के सामने लगा था एक ताला और दरवाजे को कोई अंदर से धक्का दे रहा था। अभिनव और बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीधा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर परेशानी वाली हालत में अपने दोस्त ऋषि को फोन करने लगा। शहर नया था और ये घर भी, चेन्नई के इस 2BHK फ्लैट में अभिनव की ये पहली रात थी जो दरवाजों पर होने वाली दस्तक से उसे अंदर तक डरा चुकी थी। और गौरतलब बात ये थी कि दस्तक उस कमरे से भी आ रही थी जिसके बाहर ताला लगा था। अभिनव डर के मारे अपनी बिल्डिंग के बाहर भागा और रात करीबन 1:15 बजे पागलों की तरह अपने दोस्त ऋषि को फोन करने लगा। ऋषि के फोन उठाने पर अभिनव ने उसे सारी बात बताई। आधे घंटे के ठीक बाद ऋषि उसके घर के बाहर था। दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई दस्तक और ना ही कोई और आवाज। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे उनकी आंख लगी। ऋषि को नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक अजीब सी आवाज को सुन पा रहा था। ऐसी आवाज उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो आवाज अब तक उसे बड़ी दूर से सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जोर पकड़ते हुए उसके कानों के पास आ रही थी। ऋषि इन चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
उसने अभिनव को नींद से जगाया और उसे सुनाई दे रही आवाज के बारे में बताया। अभिनव ने कहा, ये शायद उसका वहम है। अभिनव को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऋषि के सर से पसीना तर बतर गिरे जा रहा था, क्योंकि उसे वो आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। तभी अचानक अभिनव ने कहा, क्या तुमने किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी? ऋषि ने बताया कि उसे दरवाजे को खटखटाने की कोई आवाज नहीं आ रही है, पर इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। ऋषि और अभिनव दोनों ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुन रहे थे, लेकिन दोनों को सुनाई देने वाली आवाजें अलग अलग थी। अभिनव को अपने घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर के मारे घर से बाहर जाकर अपने दोस्त को फोन करता है। घर में उसके दोस्त ऋषि को कुछ और अभिनव को कुछ और, दोनों को अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों वहां से भागकर ऋषि के घर चले गए। रात बीतने के बाद सुबह अभिनव ने ब्रोकर को फोन लगाया और रात वाली बात बताई। ब्रोकर ने कहा, साहब नया शहर है, नए लोग हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे दो तीन दिन की बात है, एक बार आप इस माहौल से एडजस्ट हो जाएं, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों पर अभिनव को ब्रोकर की बातें सही लग रही थी। उसने अपना काम खत्म करा और थका हारा ऑफिस से लौटकर अपने घर का ताला खोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, तो आप ही हैं अभिनव साहब, सुना आपको बड़ी दिक्कत हुई रात को। पलट कर देखा तो सीढ़ी पर 45-50 साल का एक आदमी बैठा था। बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने घर का दरवाजा खोला और घर आए मेहमान को अपने साथ अंदर ले गया। अभिनव ने कल रात घटी सारी घटना विस्तार से बताई तो मकान मालिक ने पूछा कि ब्रोकर ने आपको दूसरे कमरे की चाबी क्यों नहीं दी? वो ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक बार फिर दरवाजे पर वैसी ही दस्तक सुनाई दी जो कल रात अभिनव ने सुनी थी। अभिनव ने मकान मालिक से कहा, आपने सुना ना, कल रात से ये आवाजें मुझे परेशान कर रही है। मकान मालिक हैरान होकर अभिनव की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। खैर हिम्मत जुटाकर अभिनव वहां से उठा और कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूं। चाय बनाने के लिए किचन में जाना तो बहाना था ताकि वो उस दरवाजे पर नजर रख सके जहां से वो अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उसने चाय बनाने के लिए पानी उबालना शुरू किया और साथ ही ब्रोकर को फोन लगाया और कहा, यार सच बताना, इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस घर के मालिक हमारे साथ यहां बैठे और पूछ रहे कि दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों लगा रखा है। मकान मालिक का नाम सुनकर ब्रोकर की मानो हवाइयां उड़ गई। उसने दोबारा पूछा, कौन आया है आपके यहां? अभिनव ने बताया, मकान मालिक। और ये सुनते के साथ ही ब्रोकर ने फोन की लाइन काट। अभिनव को चेन्नई शिफ्ट किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसके नए फ्लैट में पहली ही रात अभिनव और उसके दोस्त ने अलग अलग आवाजें सुनी। और उसके ठीक अगले ही दिन जब अभिनव अपने घर में घुस रहा था, मकान मालिक वहां सीढ़ियों में बैठा था। जब अभिनव ने ब्रोकर को फोन करके बताया कि मकान मालिक घर आए हैं, वो उनके साथ बात कर रहा है, तो ब्रोकर हड़बड़ाता हुआ दौड़ते हुए उनके घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने ब्रोकर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और शरीर पसीने से भरा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, ब्रोकर ने पूछा, मकान मालिक कहाँ है? अभिनव ने कहा,
यही मेरे साथ कमरे में बैठे चाय पी रहे। पर आप मुझे ये बताओ कि आपने ये कमरा बंद करके क्यों रखा, इसकी चाबियां कहां हैं? उसने कहा, चाबियां तो मैं आपको दे दूंगा, पर क्या मैं एक बार मकान मालिक से मिल सकता हूं? अभिनव उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। सामने टेबल पर पड़ी थी 2 कप चाय और आधी खाई हुई बिस्किट। अभिनव कमरे में इधर से उधर झांक रहा था, क्योंकि जिस मकान मालिक की वो बात कर रहा था वो वहां मौजूद ही नहीं था। और गौरतलब है कि उस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही द्वार था, जहां थोड़ी देर पहले अभिनव और ब्रोकर दोनों खड़े थे। ब्रोकर ने कहा कि आप पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि इस मकान के मालिक ने आज से 5 साल पहले उस बंद पड़े कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये घर उसने बहुत शौक से खरीदा था, रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी, धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता गया, मुसीबत की घड़ी में उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। उस घर से बाहर आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। अभिनव ने आज तक इस तरह की चीज कभी अनुभव नहीं करी थी। उसने ब्रोकर से कहा कि मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता, और सारी चीजें अपनी पैक करने लगा। ब्रोकर ने भी उसकी मदद करी, दरवाजे को बंद करते हुए उस ब्रोकर एवं अभिनव दोनों ने देखा कि कैसे उस बंद कमरे के दरवाजे पर कोई अंदर से दस्तक दे रहा था। रात अभिनव ने ऋषि के घर गुजारी। अभिनव और ऋषि बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ना